अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। अब बेटे जाके जल्दी से दुकान भी खोल ले। क्यों, कयामत आने वाली है क्या? ना ना मेरे बेटे, तू दुकान पे आजकल जल्दी नहीं जाता है ना, इसलिए पूछ रहे हैं। क्या उखाड़ लूंगा इतनी जल्दी शॉप पे जाके सेठ जी? देख मेरे बेटे, शास्त्रों में लिखा है कि दुकान जल्दी खोलने से लक्ष्मी आती है। कहाँ से आती है और कितने को जाती है ये सब मुझे पता है, लेकिन कसम खा के कह रही हूँ सेठ जी, तुम्हारी दुकान पे काम करते हुए आज तक लक्ष्मी जी के दर्शन ना हुए। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, घर में इतना बड़ा मंदिर है बेटे, जाके दर्शन कर ले। मैं इन लक्ष्मी मैया की बात ना कर रहा, इन लक्ष्मी मैया के दर्शन तो मैं अपने घर पे रोज करूं, क्योंकि मेरे घर पे भी मंदिर है सेठ जी। दरअसल बात यह है कि मैं तो 2000 रुपए वाली लक्ष्मी जी की बात कर रही हूँ, जिसके आज तक दर्शन ना कराए तुमने। एक मिनट ले बेटा, कर ले दर्शन। हाँ 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 हाँ, अरे अबे दे दो सेठ जी, आराम से दर्शन कर लूंगा। बेटे देख, ये बदतमीजी है। सेठ जी, अगर ये बदतमीजी है तो तुमने 6 महीने की तनख्वाह किसी कमसीन औरत की तरह दबोच के रखी है, उसके बारे में क्या कहोगे? वो बदतमीजी ना है क्या? देख मेरे बेटे, बेटा गया घुइया के खेत में। एक बात सुन लो सेठ जी, कल टिल्लू काम पे ना आने का है। बेटे ये तू पूछ रही है या बता रही है? आज तक तुमसे पूछा है जो आज पूछूंगा। बता रही हूं मैं। अरे भाभी जी, बादाम वाला मिल्क। कसम खा के कह रही हूँ भाभी, मजा आ गया, दिल खुश कर दिया। भगवान आपको हमेशा सदा आबाद रखे। अच्छा सेठ जी, चल लिया हूँ, खोके पे टाइम से पहुंच जाइयो। भाभी जी आशीर्वाद दे दो टिल्लू को। खुश रहिए टिल्लू भैया। टाइम पे पहुंच जाइयो। कहाँ ले डुकी भैया, एक तो बात पूछेगा। आप टिल्लू भैया से इतना डरते काहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं है पगली, कहा है कि हम थोड़ा हिंसा में विश्वास नहीं रखते। हिंसा में विश्वास नहीं रखते, इका मतलब ये थोड़ी ना है कि किसी का भी जुलम सहेंगे आप। कौन किसका जुलम सह रहा है? नहीं नहीं, हम देखे अभी टिल्लू भैया के सामने ना बहुत ही दब्बू पड़ जाते हैं लुल। अब उनको कुछ राजबाज पता है का आपका? नहीं नहीं बगड़ी, ऐसा कुछ नहीं है। तुम फालतू की बातें मत सोचा करो, एक और समोसा लेके आओ। मान ली आओ तो लाते हैं समोसा, लेकिन आप बात को टालिए ना ही। अब काहे इतना डरपोक है हमको बताइए? हाँ ऐसे अच्छा नहीं लगता है कि हमारा पति डरपोक। इस मामले में ना हम भरभूती जी को बहुत मानते हैं। वो देखिए कैसे दबंग किस्म के आदमी है। हाँ कौनो से भी डरते नहीं है वो, और कौनो भी ऊंची आवाज में उनसे बात करता है ना, ईंट का जवाब पत्थर से देते हो। आप भी कितनी बार उनसे ऊंची आवाज में बात करते हैं, आपको लताड़ देते हो कि नहीं? तुम समोसा लेके आओ पगली। आओ लाते हैं, लेकिन आप बहुत डरपोक हैं सच्ची। सब समोसा लेके आओ, आपको नहीं पसंद है ऐसे। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।